की खूबसूरती, समृद्ध की सकाफत हमारे साथ देखिए जरूर। रूहानियत और सिंध के मशहूर पकवान, हवाओं से तेरा पता पूछती हूँ अब तो आजा तू कहीं से। काफी ठंड नजर आ रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना की वजह से मैंने फेस मास्क भी पहना हुआ करके, उसके बाद जो है हम अपने सफर का बाजार प्रयास शुरुआत कर देंगे। मेरे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सफर की शुरुआत होगी नाश्ता करने के बाद, सुबह के 6 बज रहे हैं, मुंह से धुएं निकल रहे हैं और हम अपनी न्यू जर्नी के लिए तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ फंस गए हैं, चंद घंटे, 1-2 घंटा लगता है हमें और इंतजार करना पड़ेगा कि दिन खत्म होने का, उसके बाद तो नाज़रीन हम अपने सफ़र का आगाज़ इख्तिताम पे हुआ और जहाँ हमने आना था हमलडन, हम आ चुके हैं। ये है हमलडन, मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, जो कि सिंध का एक
और हम अपने सफर का आगाज कर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सफर हाईवे पे पहुंच जाएंगे। मैं आपके साथ होगा। काफ़ी ठंड नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से मैंने फेस मास्क भी पहना हुआ है और ठंड की वजह से मैंने केप भी पहनी हुई है और अपनी गाड़ी पे अमर दवा हूँ और अपने फ्रेंड के पास जाकर उसको कनेक्ट करके उसके बाद जो है हम अपने सफ़र का बाज़ाबता शुरुआत कर देंगे। तो मेरे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा काफ़ी। Thank you.
लेफ्ट हैंड पे। जैसा कि हम अभी नाश्ता कर चुके हैं और अब हमारी मंजिल जाम शोर से शुरू है, तो हम यहाँ से
सुरंग है, सुरंग है। ये अंदर सुरंग टनल बना लंच करने के बाद हम अपनी मंजिल को आगे रवा दवा हैं और अपना हम नसीराबाद पहुंच गए हैं। जैसा कि हम अभी डिनर का टाइम हो गया है, फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और डिनर की फुल तैयारी हो रही है। रात के
साहब का। है कि जो हमें घूमने के लिए रोक के बैठी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम अपने सफ़र को किस तरह आगाज़ करेंगे। यहाँ तो हम फंसे हुए हैं सुबह से, दुआ करते हैं जल्दी से धुंध ख़त्म हो जाए। एक घंटा दो घंटा लगता है हमें, और इंतज़ार करना पड़ेगा ये धुंध ख़त्म होने का, उसके बाद ही जाके लगता है हम अपनी मंजिल को दोबारा जारी रखेंगे। धुंध इतनी बढ़ गई है कि हद निगाह ज़ीरो हो गई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, होटल खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, बच्चे यहाँ चहल पहल तो काफ़ी नज़र आ रही है, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब गाड़ी चलाना तो दूर की बात, यहाँ पैदल चलने वाले को भी नज़र नहीं आ रहा कि आगे चंद कदमों पर क्या होगा। तो देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाऊँ यह क्या हाल है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्तफ़ा कावड़ साहब हमारे साथ हैं जो कि यहाँ टूरिज्म के लिए आए हुए थे और एडवेंचर के लिए, और मुझे नहीं लगता कि इनका कोई सफ़र आगे बढ़ने वाला भी है। आए इनसे कुछ सवालात करते हैं, देखें इनके साथ किस तरह ये धुन इनको अपने सफ़र से रोके हुए कि आगे ना बढ़े। आइए बात करते हैं। इसी वजह से वो काम तो कर सकते हैं, मगर ये है कि किसी सफ़र पे जाना या किसी गाड़ी पे जाना ये इंतहाई डेंजरस है। और यहाँ जो लोकल हैं जो अपने कामों पे जाते हैं सुबह सुबह ऑफिस पे, क्योंकि आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि छुट्टी वाला दिन नहीं है, उनके लिए ये धुन तो एक मौत। पता है जो सुबह ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए तो ये काफ़ी एक, वो अपनी ज़िंदगी बचाएं या अपनी जॉब बचाएं, किस तरह उनको क्या करना चाहिए? नहीं तो छुट्टी भी नहीं है। नहीं, ये इतना इसको रिस्क लेना नहीं चाहिए। एक दिन की छुट्टी हो सकती है या ये केवल ली भी हो सकती है, इसमें बंदे की जॉब तो नहीं जा सकती, मगर ये कि एक दिन की जॉब एक छुट्टी करने से ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी गिनवा दें, इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहिए खास करके। हाँ, पैदल कहीं किसी का ऑफिस है तो वो कोशिश करके थोड़ा लेट भी जा सकता है। नहीं, सर्दियों में हम देखते हैं कि जो चूँकि अक्सर सूरत यही रहती है सुबह के टाइम में, या तो उनको ऑफिस वालों को अपने टाइम में ऐसे कुछ चेंजिंग लाना चाहिए ताकि दिन के बाद वो अपने ऑफिस टाइमिंग को रखें, क्योंकि इस सूरत हाल में तो मैं भी नहीं जा सकता। ये मामूल नहीं है सर्दी ठंड के दिनों में, कभी धुंध होती है कभी नहीं भी होती, ये मामूल रोज़ाना का मामूल नहीं है, और कभी ये धुंध नहीं भी होती, मगर ये है कि अक्सर जो मौसम है वो ठंडा पड़ जाता है और इसकी पोल्यूशन की वजह से ये धुंध भी होती है, इस वजह से ये मामूल नहीं है मगर कभी कभी होती है। ये धुंध को हम क्या खुद कम कर सकते हैं ऐसा कुछ आप? नहीं, ये तो नेचुरली है, इसके लिए कोई ऐसा कोई कोई आर्टिफिशियल इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये नेचुरली ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन जो सूरज निकलता है तो कम होता है। हमें ये है कि अपने एहतियात करके अपनी जानों को संभालना चाहिए और ख्याल करना चाहिए। हाँ, हम जो साहब से पूछते हैं कि इनके साथ किसे ये धुंध मजाक कर रही है या खेल रही है या अच्छा इनको लग रहा है, असल में जो है साहब क्या लग रही है, ठीक है, क्या लगता है कि ये धुंध में मजा ले रहे हैं या ये एक अजाब ज़िंदगी हो गई है? नहीं, ये नेचुरली है। नेचुरली है, आप इसको कैसा फील कर रहे हैं? ये लोग तो इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हैं। ज़िंदगी की रिस्क भी है, उसमें एहतियात करना है। तो यहाँ आप तो यहाँ की रिहायशी हैं, आपको क्या लगता है कि तो सर्दियों में तो मुसलसल धुंध ही रहती होगी? कभी कभी रहती है, मतलब मुसलसल होती है, मुसलसल नहीं होती, मुसलसल नहीं होती। अच्छा, तो जब ये धुंध होती है तो ये आप अपनी ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो कैसे रवाना रवाना करें? उसमें एहतियात करना चाहिए, एहतियात तो करना चाहिए। जैसे अब जॉब वाले बंदे जिहाद के जो लोग हैं वो तो 5-6 बजे उठ जाते हैं, तो वो उनके क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, खेती बाड़ी का काम करते हैं, धुंध होती है उसको मसला नहीं होता, उसको मसला नहीं होता। बाकी ये रोड पे होता है, जो रोज़मर्रा के लोग अशिया वाले दूध वाले हो गए और मुख्तलिफ जैसे स्कूल के बच्चे हो गए या ऑफिस वाले, उनके लिए तो काफ़ी मसाला है। हाँ, उसके लिए थोड़ा मसाला होता है। तो वो क्या मतलब जब भी धुंध होते हुए वो क्या छुट्टी करते हैं या पैदल पैदल जाना पसंद? इंतजार करते हैं, कभी एक घंटा चलती है, कुछ मिनट चलती है, कभी कभार ज़्यादा चलती है। नाजरीन, मुझे नहीं लगता कि आज हम अपने सफ़र को जारी रख सकेंगे, अब हम यहीं खड़े हुए हैं, धुंध का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ख़त्म होगी। हमारे साथ आप भी दुआ करें जल्दी से धुंध ख़त्म हो जाए तो हम अपने सफ़र को आगे जारी रख सकें। हमें एक एडवेंचर वाली जगह पे जाना है, आपको दिखाना है कि सिंध का एडवेंचर किस तरह होता है। ये धुंध कब खत्म होगी? धुंध जल्दी खत्म हो जा, धुंध कब खत्म होगी जी?
ये अंधों ने जो ख़त्म होने का नाम ही ले रही है। हम फंस गए, दिन ख़त्म नहीं हो रही, हर जगह धुंधी धुंध खाई हुई है, गाड़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही। ये करोड़ अच्छा है सही करोड़ बॉस पे मछली देखे आगे मछली आई हुई है दरिया नजर नहीं आ रहा तेरा जिस पे पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला तेरा साईं 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 लिफ्ट ना करा नाज़िम। यहाँ गांव वाले काफी परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। सुबह के 5 बजे से हम यहाँ खड़े हैं, 9 बजने को हैं, पर यहाँ धुंध है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हद निगाह 0 से भी कम हो गई है। अब ये है कि हाथ से हाथ भी मुझे नहीं दिख रहा। और यहाँ हमारे मेरे करीब में देख रहे हैं होटल है, गाड़ी है, मेरे काफ़ी दोस्त गाड़ी में हीटर में बैठे हुए हैं, पर यहाँ नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। गांव वालों को काफ़ी परेशानी में का सामना है। अपनी ज़िंदगी को वो किस तरह बसर कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर यहाँ उनकी मजबूरी है। हद निगाह 0 होने के बावजूद भी वो चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अपनी जानों के साथ किस तरह का खेल खेल रहे हैं, जबकि यहाँ 9 बज गए हैं, धुंध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो वो परेशान होकर अपने कामों को, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए मजबूरन वो बाहर निकले हैं। पर मुझे अभी एक इंसिडेंट भी नज़र आया है, पर उसके बावजूद भी यहाँ जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे बाहर जाने से, मूवमेंट करने से। आपको मैं भी आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ, धुंध का जो राज है वो इतना बढ़ गया है कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। जिसे ऐसा लग रहा है कि मैं एक आसमान में आ गया हूँ और यहाँ जिंदगी ऐसा लग रहा है मजाक बन गई, धुंध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज लगता है यहीं सोना पड़ेगा हमें। सुबह के 9 लग रहे हैं, ऐसे रात के 9 लग रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है हम आसमान में आ गए हैं, हर जगह वही धुआं, धुंध ही धुंध नजर आ रही है, हर कोई परेशान हाल नजर आ रहा है। रश नाज़रीन ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखो फिर भी ट्रैफिक या जाम नज़र आ रहा है। कुछ भी नज़र ना आने के बावजूद यहाँ
लोग अपनी ज़िंदगियों से खेल के गाड़ियां चला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक एक्सीडेंट भी हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ से आए जा रहे हैं। ये रोड है, मेन रोड है, जो कि हमें धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा। यहाँ काफ़ी परेशानी को देखना पड़ रहा है गांव वालों को, सब कोई हर कोई परेशान नज़र आ रहा है। जैसे हमारे सामने होटल है, जो कि धुंध की वजह से वो भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ गाड़ी पर ट्रैफिक भी नज़र आ रहा है, ये बच्चा देखो गाड़ी जा रही है, कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा, दूर दूर रह रहे हैं और सब लोगों ने गाड़ी होटल के अंदर पार्क कर दी है। रोड बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लगता है महफिल में उतरना पड़ेगा दोबारा। कुछ लोग भूल बैठे हैं मयार हमारा। ये धुंध का राज अब खत्म हो गया है, हम वारा की तरफ रवा दवा हैं और अभी मंजिल मकसूद है और हम हमल झील की तरफ जा रहे हैं और ये एडवेंचर है क्या? और देख रहे हैं कुछ
नाजरीन, हम अपने सफ़र का आगाज़ इख्तिताम पे हुआ और जहाँ हमने आना था हमल्टन, हम आ चुके हैं हमल्टन। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं जो कि सिंध का एक खूबसूरत नज़ारे रखने वाला डंड है, जहाँ when
नाज़रीन, तो हम हमल लेक में सफ़र कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी रोमांचक नज़ारे नज़र आ रहे हैं, एडवेंचर भी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम यहाँ घोड़ा चलाने वाले से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ वो कैसे बसर कर रहे हैं और कैसे कश्ती चलाकर सयाहों को इस लेक के जो ब्यूटीफुल व्यू है उसके मनाजर ये उनको दिखाते हैं, उनको सफ़र करवाते हैं। आयन से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारा? खुश है? ठीक है। क्या हाल है? कुर्बान कुर्बान तो लगती है। हां भले भाई, ड्रिंक मान जी, कैमरा खून मत चली जी जी। तो साहब, इते कितरो वर्ष तो आ किथे वारे इते असा 25 साल थी। 25 साल का बेड़ो हलायो था ये होड़ो या उन खैला भी तायो कमाए? यो ही होई होड़ो होड़े मु मानता इतरो कमाई वने ता जो बारे बारन के भी घरारन चला सके। कुछ जाना है ना, कुछ के वाले टेसे टा है गरीब तमा। थे की केत्रो वडो लेका की केंजो आ थोड़ो सा के तफसील बुधायो। नवाब साहब जी आते नी की ना नवाब साहब जी ते हते मानू तफरी जे लाए इंदा है जा का खबर न ता इतरो रहो ता कुछ मानू घुमण वाला इंदा है ना इते खाली घुमण वाला शिकार जे लाई ना घणे कदर बाकी तफरी माग ना है ना तफरी माग ना है ओ हिते जको हिते तकरीबन जकी रहवासी ने मच्छी जे ला भी खाली रहन ता या बेओ को धंधो था मच्छी मच्छी केतरी आमल ले जाम थोड़ी है कोई जत है लेकिन घणी ना है कोई चाहे ओ मच्छी जो भी सीजन हो तो है की हां हियर सीजन है अन्या सीजन है कोना नी मारे किलो दो किलो बस आई जी को शिकार जे ले मणु अचन दा ते शिकार आए ये किसना वक्त है जन्ना की जे ता आ जाया मन शिकार आए थोरो गणो आए उन जे ले मणु अचन तफरी माग बस हिता पोता मछी भी मारो या खाली बस बेड़े ते मणु वगैरह भी घुमा ना ना मछी मारना मछी मारी ना आ दिमाग खराब है।
ਮਾਣੀ ਮਾਣੀ ਲੋਡ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣੀ ਮਾਣੀ
ਬਾਬਰੋ ਸੀ ਕਰੀ ਬੈਠੋ ਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਰੇ ਦੀ बोस की बनाई इस वक्त हम अमल में मुरगाबी का शिकार करने जा रहे हैं और ये शिकारी साहब रेडी बैठे हैं, मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ वीडियो वाले था।